नौवां अध्याय। और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ न देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। छह दिन के बाद यीशु ने पत्रस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहां तक अति उज्ज्वल हुआ कि पृथ्वी पर कोई भी धोबी वैसा उज्ज्वल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलियाह दिखाई दिया और वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पत्रस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम तीन मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्योंकि वो नहीं जानता था कि क्या कहे, क्योंकि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न पाया। पहाड़ से उतरते हुए उसने उन्हें आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है वो किसी से न कहना। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे, मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है? और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? उसने उत्तर दिया, एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में ये क्यों लिखा है कि वो बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा? परंतु मैं तुमसे कहता हूं, एलिया तो आ चुका और जैसा उसके विषय में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। और जब वो चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था, जहां कहीं वो उसे पकड़ती है वहीं पटक देती, वो मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वो उसे निकाल दे, परंतु वो निकाल न सके। ये सुनकर उसने उत्तर में उनसे कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वो भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश न कर। तब वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वो मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो खड़ा हो गया।
जब वो घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे और वो नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वो अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वो मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उसे पूछने से डरते थे। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद करते थे? वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में ये वाद विवाद किया था कि उनमें बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारी ओर है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। पर जो कोई छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला ये है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो समुद्र में डाल दिया जाए। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं, और यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए, और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे किससे स्वादित करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो।